नमस्कार, केएम न्यूज में स्वागत है आपका। आज बलसर के उमिया सोशल ट्रस्ट द्वारा आज रक्तदान किया जा रहा है, तो आज हमारे साथ है उमिया ट्रस्ट के अशोक भाई कतरिया जो के कैप्टन है। नमस्कार सर। सर, आज जो ये रक्तदान का आयोजन किया है वो किस लिए? आज मेरे मातृश्री के 5वीं पुण्यतिथि है, उनके निमित्त हम शोध हर साल कुछ ना कुछ करते हैं, तो सोचा कि इस बार कुछ एक अच्छा कार्य करें, जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है जो वलसाड़ रक्तदान केंद्र के अंदर आयोजन किया है। हाँ, नॉर्मली आपने सामान्य दिवस के अंदर क्या होता है कि 60 से 70 बोतल वलसाड़ के अंदर रिक्वायरमेंट रहती है, मगर हाल लॉकडाउन होने के कारण और एक्सीडेंट के केस नहीं होने के कारण ओपीडी कब बंद है, उस वजह से ओनली 35-40 बोतल की जरूरत पड़ती है, मगर वो भी 35-40 बोतल भी इस समय रिक्वायर्ड होने के पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि लॉकडाउन होने के कारण ब्लड डोनेशन कैंप्स बंद हैं। तो ये सोच के एक बहुत बड़ा काम करने की कोशिश करी है कि जिसमें हम ब्लड पूरा करें और वलसाड़ में कोई भी व्यक्ति ब्लड के बिना प्रॉब्लम ना हो। रक्तदान देने आते हैं उनके लिए क्या सुविधा रखी है यहाँ पे? खास कोरोना वायरस को ध्यान में रख के हमने सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे हैं। हर 5 मिनट के बाद 2 पेशेंट ही फक्त बुला रहे हैं, और उसके बाद आने के बाद भी उनको पूरा हैंड वॉश पूरा करवाते हैं, उसके बाद सैनिटाइजर यूज़ करवाते हैं, और जो भी है ब्लड डोनेशन के सैन्य बैठने के लिए सोशल डिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं, और जो ब्लड डोनर आ रहा है उसको मोटिवेट करने के लिए कोरोना किट बनाई है, जिसके अंदर हमने सैनिटाइजर, मास्क, हैंड ग्लोव और कैप प्रोवाइड करा रहे हैं। सर, सुबह से कितनी बॉटल जमा हुई और शाम तक कितनी जमा होने की आपको आशा है? इस समय तक हमारे 15 ब्लड डोनेशन कैंप में, ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर 15 रक्तदाता ब्लड दे चुके हैं, और शाम तक 100 रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, और उसके बाद भी अब से रजिस्ट्रेशन चालू है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहे केएम न्यूज टीवी चैनल, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरामैन राजेश चौबे के साथ मैं रीटा पटेल, गुजरात वलसाड़ से।